कॉलेज की असाइनमेंट बनाना बहुत बड़ा टेंशन का काम है। हाँ, मुझे पता है कि तू अपने गूगल से, यूट्यूब से या फिर अपने दोस्तों से कॉलेज के असाइनमेंट को सॉल्व करवा लेती हो, लेकिन अब आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एआई का जमाना आ चुका है एंड चैट जीपीटी का यूज करके आप अपने कॉलेज के सारे असाइनमेंट को कुछ मिनट में तैयार कर सकते हो, वो भी फ्री में। देखो, मैं इतने गारंटी से इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने चैट जीपीटी से ही अपने इग्नू के सारे असाइनमेंट को सॉल्व करा है। तो अगर तुम्हें चैट जीपीटी यूज करना नहीं आता है और तुम्हें नहीं पता कि चैट जीपीटी को यूज करके अपने कॉलेज के असाइनमेंट या फिर किसी भी सवाल का जवाब कैसे लेना है, तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो में सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को अच्छे से देख लेना। एंड ये सारी की सारी चीजें मैं अपने एंड्रॉइड फोन से करने वाला हूँ जिससे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलो ले चलता हूँ आपको अपनी मोबाइल के स्क्रीन पे एंड सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और ऐसे ही टेक से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल टेक्राम एआई को। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूँ एंड यहाँ से मैं चैट जीपीटी को ऑन कर ले रहा हूँ। ये चैट जीपीटी का ऑफिशियल ऐप है, ठीक है, जिसे आप प्ले स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना चैट जीपीटी, ठीक है, और यहाँ पे आपको बहुत सारा ऐप मिल जाएगा, बट इस वाले ऐप को ही डाउनलोड करना क्योंकि ये चैट जीपीटी का ऑफिशियल ऐप है। मैंने चैट जीपीटी का ऐप ओपन कर लिया है। अगर आप इसको लैपटॉप में यूज करना चाहते हो तो आपको openai.chatgpt.com पे जाके अपना चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आप फोन यूज करते हो तो आप इसको एंड्रॉयड फोन में एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हो। अब आपको सिंपल क्या करना है कि आपका जो भी पीडीएफ है, जो भी क्वेश्चन है, उसका पीडीएफ होगा या तो फिर उसका फोटो क्लिक कर लेना। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने कॉलेज के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को ओपन कर लिया है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं है, हार्ड कॉपी में है, तो भी मैं बता देता हूँ कि उसको सॉल्व कैसे करना है। अब सिंपल मुझे ये क्या करना है कि पहला जो क्वेश्चन है उसके ऊपर पूरा का पूरा पैसेज है एंड मुझे इसके सारे के सारे आंसर को चाहिए। तो मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ कि मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, पूरा क्वेश्चन एंड पैसेज दोनों को मैं कॉपी कर लूँगा। यहाँ से कॉपी कर लिया एंड इस चैट जीपीटी वाले ऐप में जाके इसको पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ से सेंड कर दूंगा। सिंपल आप देख सकते हो कि इसने मेरी सवाल का जवाब कितने कुछ सेकंड्स के अंदर दे दिया। तीन सवाल था, मैंने तीन सवाल इससे पूछा, पहला, दूसरा एंड तीसरा, एंड इसने मेरे तीनों सवाल का जवाब क्लियरली मुझे दे दिया। इसी तरीके से आपके पास जो भी पैसेज वगैरह होगा उसका आप सॉल्यूशन यहाँ से इजीली ले सकते हो। चलो इससे मैं थोड़ा सा हार्ड सवाल करता हूँ। अगेन मैं यहाँ पे अपने पीडीएफ को ओपन कर लिया, क्वेश्चन वाले पीडीएफ को, एंड थोड़ा सा हार्ड सवाल करता हूँ। जैसे कि ये वाला हो गया 20 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है एंड इसमें मुझे काफ़ी लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा। तो चलो देखता हूँ कि ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता है या नहीं। तो जैसे कि मैंने पहले किया था, मैं क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ और चैट जीपीटी के ऐप को ओपन कर मैं अपने सवाल को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर आपको कोई भी वर्ड में चाहिए, जैसे कि आप मान लो कि 500 वर्ड में चाहते हो, 250 वर्ड में चाहते हो, तो वो यहाँ पे टाइप कर सकते हो, ठीक है, कि मुझे 250 वर्ड में चाहिए। बट अगर आपको नहीं चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन टाइप करके भी डायरेक्ट सेंड कर देना। एंड देख सकते हो कि इसने मुझे सवाल का जवाब बहुत क्लियर तरीके से दे दिया, किस फॉर्मेट में मुझे इसका सवाल का जवाब देना है उसको पूरी के पूरी तरीके से मुझे दे दिया। जिसे आप बस आपको क्या करना है, फ़ोन पेन निकालना है और अपने पेपर पे नोट करते चले जाना है। देख रहे हो कितने सारे, मतलब काफ़ी अच्छा खासा वर्ड पे भी मुझे दे दिया, जिससे कि 20 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो अच्छा खासा यार 400-500 वर्ड का तो है, जहाँ से आपको आराम से 20 नंबर में 15 नंबर तो आराम से मिल सकता है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मान लो कि आपने इस चीज़ को अगर आप पढ़ के भी देख सकते हो, ठीक है, तो अगर आप मान लो कि इसको पढ़ते हो और आपको कोई भी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है या तो फिर बहुत नॉर्मल वर्ड में नहीं लगता है, ठीक है, तो आप सेम चीज़ें क्या करो, इसके ऊपर क्लिक करके रखो कुछ सेकंड्स के लिए और यहाँ पे आप देख सकते हो कि रीजनरेट रिस्पॉन्स, इस पर क्लिक कर दो। अब ये आपको जो भी पहले वाला जवाब था उससे डिफरेंट तरीके से जवाब देगा। तो अगर आप पहले वाले जवाब से सेटिस्फाई नहीं हो तो रीजनरेट पे क्लिक कर आप नया सवाल का जवाब इससे ले सकते हो। आप जितने बार रीजनरेट करना चाहोगे वो उतने बार नया नया सवाल का जवाब आपको देगा, अलग अलग तरीके से। सवाल सेम रहेगा बट अलग अलग तरीके से उसका जवाब देगा। इससे ये हुआ कि किसी के भी क्वेश्चन का आंसर सेम मैच नहीं करेगा। और हाँ, अगर किन्हीं के पास सिर्फ हार्ड कॉपी है, पीडीएफ नहीं है, तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए सिंपल आपको क्या करना है, अपना फोटोज़ ऐप ओपन कर लेना है। आपके फ़ोन में फोटोज़ ऐप तो होगा, ठीक है, नहीं होगा तो उसको डाउनलोड कर लेना, ऐसे तो हर किसी के फ़ोन में होता है आज के टाइम पर, ठीक है। एंड फोटोज़ ऐप को जैसे ही ओपन करोगे वहाँ पर आपको फ़ोटो दिख जाएगा, जो कि आपका हार्ड कॉपी का आपने फ़ोटो क्लिक किया होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा।
आपको सिंपल क्या करना है, कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड आपको जिस भी पार्ट को, जिस भी क्वेश्चन को कॉपी करना है उसको यहाँ पे 2 सेकंड क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से आप कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक कर कॉपी कर लिए। अब सिंपल आपको फिर से वही काम करना है, चैट जीपीटी को ओपन करना है, अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर देना है और इसको सेंड कर देना है। एंड देख सकते हो कि ये मेरा सवाल था जो मैंने अभी जस्ट पूछा और इसने मेरे सवाल का जवाब तुरंत से कुछ सेकेंड्स के अंदर दे दिया। बस मुझे पेन निकालना है और अपने इसको कॉपी करके बस लिखते जाना है, हो गया असाइनमेंट सॉल्व। मतलब कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है, ना गूगल पे, ना यूट्यूब पे, ना दोस्तों के पास जाने की जरूरत है। बस चैट जीपीटी है, ओपन करो, क्वेश्चन पेस्ट करो, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। अलग अलग तरीके से चाहते हो तो अलग अलग तरीके से ही मिल जाएगा, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो सवाल के जवाब से। तो जैसा कि आपने अभी लाइव देख लिया मेरे फोन के स्क्रीन पे कि मैंने चैट जीपीटी से अपने सारे सवाल का जवाब कैसे लिया था और आप इसका यूज करके अपने असाइनमेंट या फिर किसी भी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। और हाँ, अगर आपको चैट जीपीटी को यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता है कि इसको आप किस तरीके से साइन अप करोगे, कैसे इस पे आईडी क्रिएट करना है एंड फ्री में इसको कैसे यूज करना है, तो आई बटन पे पॉपअप एक लिंक आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे मैं एक लिंक डाल दूंगा, ठीक है, जहां से आपको चैट जीपीटी को 0 से लेके एडवांस लेवल पे आप सीख जाओगे यूज करना और आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनके वहां से पैसे भी कमा सकते हो चैट जीपीटी को यूज करके। तो उसके लिए आई बटन पे लिंक है, वहां से जाके आप देख सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी जाके चेक कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिए, वीडियो को कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी सवाल है, ठीक है, तो मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको कमेंट में ही। एंड शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ भी जिन्हें चैट जीपीटी के बारे में अभी तक नहीं पता है, शायद उनकी भी हेल्प हो सकती है। एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि चैट जीपीटी जैसे बहुत सारे अलग अलग AI टूल्स हैं जिनकी ऊपर मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो आपको उन अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।